गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें मैंने आपको स्टार्टिंग की एक दो लाइन अंडरलाइन करवाई थी, तो आपको नोट्स इसी तरीके से स्टार्ट करना है। अकबर वॉज बोर्न इन 1542 इन ए फोर्ट एट अमरकोट पाकिस्तान। कि अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट पाकिस्तान में 1542। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बन गया। He became the king at the age of 13 years on 14 February 1556. कि वो राजा बना कब? 13 years में ही, 14 February को 1556 में। Bairam Khan made a throne of bricks and performed the ritual of Akbar coronation at Kalamur. यानी कि बैराम खान जो उनके गार्जियन, टीचर और प्रोटेक्टर कहलाते थे, उन्होंने ईंटों का एक सिंहासन बनाकर उस पर अकबर का राजतिलक किया। कहाँ पर? कालानूर, जो कि कहाँ है? पंजाब के अंदर। तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है। बैराम खान प्लेड द रोल ऑफ प्रोटेक्टर। बैराम खान जो कि अकबर के प्रोटेक्टर के रूप में गार्जियन और टीचर थे, किसके? अकबर के। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया हमारा अकबर का इंट्रोडक्शन। इसके बाद में देखो हेमू के बारे में आता है, जो कि है सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। तो आप इसको किस तरीके से लिखोगे? आप इसको हेडिंग डाल के लिखोगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ से स्टार्ट करोगे सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 AD, इस तरीके से हेडिंग डालोगे। ठीक है, इसमें दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन अफगान एंड मुगल ऑन द 5th November 1556। ये अफगान और मुगल्स के बीच में हुआ था ये बैटल 1556 में। हेमू फ्रॉम अफगान साइड एंड बैराम खान फ्रॉम मुगल साइड। ये जो युद्ध हुआ था अफगान और मुगल्स के बीच में, तो अफगान साइड से हेमू था और मुगल साइड से कौन था? बैराम खान। बैराम खान कौन थे? प्रोटेक्टर थे अकबर के। नेक्स्ट है मुगल्स गॉट विक्ट्री इन दिस बैटल। मुगल्स जो है उनको विक्ट्री मिली इस बैटल के अंदर। नेक्स्ट हमारा आता है अकबर 1556 से 1605 CE में अकबर ऑक्यूपाइड फोर्ट ऑफ चुनार मालवा रणथंबोर फोर्ट एंड गुजरात बंगाल रीजन। इस हेडिंग को डालने से पहले हम यहाँ पर फोर्थ पॉइंट में हेमू के बारे में और चीज़ें लिखेंगे बुक से। ही हैड वॉन, देखो आप बुक के अंदर लास्ट लाइन दी है, ही हैड वॉन, ही की जगह पर हमें क्या लिखना है? हेमू। हेमू हैड वॉन 22 बैटल्स एंड हैड अर्न द टाइटल ऑफ विक्रमाजीत। कि विक्रमाजीत का टाइटल किसको मिला था? हेमू। ठीक है, इसके बाद में अकबर हम स्टार्ट कर देंगे। अकबर जिन्होंने चुनार मालवा रणथंबोर गुजरात बंगाल रीजन पर जीत हासिल की एंड अकबर विक्ट्री ओवर और काबुल कश्मीर उड़ीसा और कांधार पर भी उन्होंने जीत हासिल की थी। नेक्स्ट इसमें हेडिंग डालेंगे बैटल ऑफ हल्दीघाटी। ये हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दीघाटी बैटल के बारे में आगे जब हम महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ेंगे उसमें पूरा डिटेल दिया है। यहाँ से हम छोटा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये जो युद्ध है वो किसके बीच में हुआ था। दिस बैटल वॉज फॉट बिटवीन मुगल एंड महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा थे, इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। मुगल आर्मी की तरफ से मानसिंह और असफ खान थे और महाराणा प्रताप जिन्होंने मना कर दिया था मुगल्स की अधीनता स्वीकार करने से, जिसकी वजह से यह हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। अकबर की डेथ हुई 1605 AD में। यहाँ तक ये बैटल ऑफ हल्दीघाटी है। यहाँ से फिर से हमारा अकबर का ही टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। अकबर डाइड इन 1605 AD। अकबर बिल्ट, उन्होंने क्या बिल्ट किया, क्या बनवाया? इबादत खाना। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में। टू कंडक्ट रिलीजियस डिस्कशन, और किस लिए बनवाया था? ताकि रिलीजियस डिस्कशन करवाया जा सके। ही स्टार्टेड ए रिलीजन, उन्होंने एक रिलीजन स्टार्ट किया जिसका नाम था दीन ए इलाही, जिसमें उनके जितने भी जैसे जेम्स होते हैं ना, नवरत्न जिन्हें कहा जाता है, उन नवरत्नों में से एक रत्न था बीरबल। बीरबल वॉज द फर्स्ट हिंदू टू एक्सेप्ट दिस रिलीजन। वो पहले हिंदू थे जिन्होंने दीन-ए-इलाही रिलीजन को एक्सेप्ट किया।
ही इशूड ए न्यू कैलेंडर नेम। अकबर ने एक न्यू कैलेंडर इशू किया जिसका नाम था इलाही एरा इन 1583 AD। और कब स्टार्ट किया गया उसको? 1583 AD। कछवाहा रूलर भारमल वॉज द फर्स्ट रूलर टू एंटर इन टू एलियंस विथ अकबर। कछवाहा रूलर के, यानी कि कछवाहा भी एक तरह का जाति थी, जिसके रूलर थे भरमाल, वो पहले ऐसे रूलर थे जो अकबर के, मतलब कि जो उनकी आर्मी है, उनकी जो मतलब कि युद्ध जो वो कर रहे थे, जो भी लड़ाइयाँ वो लड़ रहे थे, जो भी युद्ध कर रहे थे, उसमें अपने आप शामिल हुए। तो वो कौन थे? भरमाल। ही अबॉलिश जजिया टैक्स इन 1564 AD। अकबर ने जजिया टैक्स को हटाया था 1564 AD में। एंड टू कॉमोमरेट द विक्ट्री ओवर गुजरात ही बिल्ट बुलंद दरवाज़ा इन फतेहपुर सिटी। कि गुजरात के ऊपर उनकी जो जीत हुई थी, उस जीत में सबको शामिल करने के लिए उन्होंने फतेहपुर सिकरी के अंदर बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। तो ये तो हो गया हमारा अकबर का टॉपिक, जिसमें आपको बुक से कुछ भी नहीं लिखना है। और इसके बाद में हम नेक्स्ट जो है टॉपिक देखेंगे जहांगीर का। इसके लिए आप पेज नंबर 35 निकाल लीजिए। जहांगीर, जिनका नाम सलीम या शेख सलीम चिश्ती भी कहा जाता है। सलीम हैड रेज्ड अ रिवोल्ट अगेंस्ट अकबर। सलीम ने अकबर के खिलाफ, मतलब कि युद्ध किया इन 1599 में, ठीक है। व्हेन अबुल फजल वॉज सेंट बाई अकबर टू कंट्रोल द रिवोल्ट, अबुल फजल वॉज असैसिनेटेड। यानी कि जब अबुल फजल को भेजा गया उस युद्ध के लिए, अबुल फजल जो थे वो क्या हो गए? असैसिनेटेड, मीन्स हार गए। अबुल फजल जो थे वो हार गए। सलीम अज्यूम द टाइटल ऑफ नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह एट आगरा फोर्ट। सलीम को ये टाइटल कहाँ मिला? आगरा के अंदर नरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह का टाइटल दिया गया। एंड टुक द रेन इन हिज हैंड, और फिर मुगल शासन अपने हाथ में ले लिया। तो देखो आप, फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ से चिश्ती तक है, सेकेंड पॉइंट हमारा सलीम से 1599 तक है, फिर वेन से लेकर और इन द हैंड्स तक, वेन अबुल फजल से लेकर रेंस इन द हैंड्स तक। जहांगीर ने एक मयूर सिंहासन बनाया था जिनका नाम था तख्ते तौस द हाईली ऑर्नेट थ्रोन। यानी कि ये बहुत ऊंचा सिंहासन इन्होंने बनवाया था, ठीक है। जहांगीर विक्ट्री ओवर, जहांगीर को विक्ट्री यानी जीत हासिल हुई कांधार पे, वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द मिलिट्री एंड कॉमर्शियल परस्पेक्टिव, जो कि मिलिट्री और कॉमर्शियल दोनों ही मामले में बहुत ज़्यादा फायदेमंद थी उनके लिए। जहांगीर मैरिड भी थे विडो नेम्ड, जहांगीर ने एक विडो वोमन से शादी की जिसका नाम था मेहरुनिसा इन 1611 एंड गेव हर द न्यू टाइटल, और उनको एक नया नाम दिया नूर महल नूर जहां, ठीक है। तो जहांगीर से लेकर हमें नूर जहां तक लिखना है। फिर इसके बाद में ब्रिटिश एम्बेसडर से कैप्टन हॉकिंस एंड सर थॉमस रॉय हैड कम टू हिज स्कूल। यानी कि ब्रिटिश एम्बेसडर जहांगीर के टाइम पर जो आए थे वो कौन थे? हॉकिंस और सर थॉमस रॉय, कम टू हिज कोर्ट। ये एक पॉइंट बन गया। और लास्ट है जहांगीर डाइड इन 1627, ठीक है। इसके बाद में हमारे आते हैं शाहजहां। तो शाहजहां चाइल्डहुड नेम वॉज खुरम। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? खुरम, जो कि उनके ही बेटे थे। यानी कि जो किसका बेटा है वो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, जो आपको एक फॉर्मेट जो मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन किसका बेटा है। तो जहांगीर के बाद में मुगल शासन जो है वो किसके हाथ में आता है? शाहजहां के हाथ में। तो शाहजहां चाइल्डहुड नेम वॉज खुरम, खुरम नाम था इनका। एंड ही गॉट मैरिड टू, उनकी शादी किससे हुई? अर्जुमन बानो बेगम मुमताज़ महल 1612 में, ठीक है। शी वॉज द डॉटर ऑफ असफ खान, जो कि किसकी बेटी थी? असफ खान की बेटी थी। तो शाहजहां से लेकर खुरम तक, फिर ही गॉड से लेकर असफ खान तक आपको लिखना है। टू पॉइंट्स यहाँ बन रहे हैं शाहजहां में। फिर नेक्स्ट पेज पर देखिए,
कि ही डिफीटेड द पुर्तगीज एट हुगली। शाहजहां ने पुर्तगीज़ को डिफीट किया 1632 में। ये एक पॉइंट लिखना है। इसके बाद में ही डिफीटेड आदिल शाह, ही डिफीटेड आदिल शाह द सुल्तान ऑफ बीजापुर। शाहजहां मेड हिज सन औरंगजेब द वाइसराय ऑफ डेक्कन इन 1652। उन्होंने डेक्कन का वाइसराय इसको बनाया अपने बेटे औरंगजेब को 1652 में। ये एक पॉइंट हो गया ही से लेकर। फिर औरंगजेब ने क्या किया, अपने ही फादर को इम्प्रीजन जेल में डाल दिया, जिनसे उनकी डेथ हो गई थी। औरंगजेब इम्प्रीजन शाहजहां इन 1657 इन आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट में उन्होंने उनको बंदी बनाकर रखा 1657 से। ही कैप्चर द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज ब्रदर। और फिर उन्होंने पूरा राजपाट जो है वो अपने हिस्से अंडर में ले लिया, अपने भाइयों को मारकर। उनके भाइयों का क्या नाम था, दारा, मुराद और सुजा। ठीक है, यहाँ सुजा तक आपको लिखना है। फिर है शाहजहां डाइड इन 1666 में। फ्रेंच ट्रैवलर थे बर्नियर तावोर एंड इटालियन ट्रैवलर मनोकी हैड रिटन रिच अकाउंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग शाहजहां। कि वो शाहजहां के टाइम पर ये दो ट्रैवलर आए थे, एक तो फ्रेंच ट्रैवलर और एक इटालियन ट्रैवलर। ये अलग अलग टाइम पीरियड में हम देख रहे हैं जो ट्रैवलर्स आ रहे हैं, सबके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको लिख लीजिएगा। फ्रेंच से लेकर आपको शाहजहां तक लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा औरंगजेब का। तो औरंगजेब जो है, जिन्होंने अपने फादर की को मारने के बाद में मुगल साम्राज्य जो है उनके हाथ में आ गया था, लेकिन फिर भी वो उसे संभाल नहीं पाए थे। सून आफ्टर रेज्यूमिंग द पावर औरंगजेब डिफीटेड द रूलर ऑफ आसाम, कच्छ, बिहार, रंगपुर, कमरूप एंड मारवाड़। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ, मारवाड़ तक। उसके बाद में ही अपॉइंटेड राजा जयसिंह एज द गवर्नर ऑफ डेक्कन। उन्होंने राजा जयसिंह को डेक्कन का गवर्नर बना दिया। उन दोनों के बीच में, यानी कि द ट्रीटी ऑफ पुरंदर वॉज साइंड बिटवीन शिवाजी एंड राजा जयसिंह इन जून 1665 में। कि ट्रीटी ऑफ पुरंदर किसके बीच में साइन हुई थी, तो थर्ड पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, द ट्रीटी से शिवाजी और राजा जयसिंह के बीच में जून 1665। शिवाजी गेव हिज 23 फोर्ट्स टू राजा जयसिंह। शिवाजी ने अपने 23 फोर्ट्स दिए किसको, राजा जयसिंह को। शिवाजी रिच द कोर्ट ऑफ औरंगजेब इन 1660, बट बिकॉज ऑफ ए थ्रेटनिंग कॉन्स्पिरेसी ही स्लिप्ड फ्रॉम देयर टू रिच महाराष्ट्र। शिवाजी जो थे वो औरंगजेब के पास गए थे, लेकिन वो क्या, उसकी जो चालबाजी थी उसको समझ चुके थे, और इसीलिए वो क्या हुआ, उनके पास जाने के बजाय वो कहाँ चले गए, महाराष्ट्र चले गए। तो ये शिवाजी से लेकर हमें महाराष्ट्र तक टिक करना है। फिर आता है कि औरंगजेब जो थे उन्हें रिलीजन से और इन सब जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो था, आर्किटेक्चर जो था, उन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं था। जो भी प्रैक्टिसेस पहले से चालू की हुई थी उन सबको भी वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। तो यहाँ से देखिए आप, हिंदू मर्चेंट्स हैड टू पे 5% हायर टैक्स ड्यूरिंग औरंगजेब रूल। औरंगजेब रूल के टाइम पर हिंदू जो व्यापारी थे उन्हें 5% ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। औरंगजेब ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बनेगा औरंगजेब से। औरंगजेब ऑर्डर टू डिस्ट्रॉय टेम्पल्स, उन्होंने टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दे दिया 1669 में। एंड ही री इंट्रोड्यूस, और जो जजिया टैक्स अकबर ने ख़त्म कर दिया था उसे वापस से रीइंट्रोड्यूस किया गया औरंगजेब के टाइम में। हिंदू औरंगजेब के टाइम में जजिया टैक्स को हिंदूज़ के ऊपर। तो ये नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, औरंगजेब से लेकर हिंदूज तक। फिर औरंगजेब यूज रिलीजन एज ए पोटेंट वेपन, ये लाइन हम नहीं लिखेंगे। एंड ही स्टॉप द ट्रेडिशन, उन्होंने क्या स्टॉप करवाया, ही स्टॉप द ट्रेडिशन ऑफ झरोखा दर्शन, जो कि बालकनी में से देखना, एंड म्यूजिक विच हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस अकबर टाइम से जो चलता आ रहा था वो सारे प्रैक्टिसेस बंद कर दिए गए। सिख गुरु जो थे तेग बहादुर ऑल्सो रेज्ड वॉइस अगेंस्ट एट्रोसिटीज ऑफ औरंगजेब। सिख तेग बहादुर जो थे उन्होंने इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी औरंगजेब के लिए, फॉर विच तेग बहादुर वॉज किल्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, जिसमें उनको मार दिया गया। ठीक है, एक यहाँ ये औरंगजेब डाइड इन 1707 एट अहमदनगर,
ये भी लिखना है हमें लास्ट में। इस सिख वाले के ये सिख वाला जो पॉइंट है ये लिखने के बाद में हम क्या लिखेंगे, औरंगजेब डाइड इन 1707 एट अहमदनगर। फिर इसका लास्ट पॉइंट हम औरंगजेब का यहाँ कंप्लीट होने के बाद में लास्ट में दो पॉइंट और लिखना है, द मुगल डायनेस्टी सो वीक, यानी कि यहाँ से मुगल डायनेस्टी वीक होने लगी औरंगजेब के डेथ के बाद में तो औरंगजेब तक, एंड दिस रिजल्ट इन ए कंटिन्यूस डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। इससे कंटिन्यूस डिक्लाइन हुआ और बहादुर शाह बिकेम द मुगल एम्पर 1707 में बहादुर शाह उनके मुगल एम्पायर के रूलर थे। तो यहाँ पर ये कंप्लीट होता है हमारा मुगल एम्पायर। इसके बाद में नेक्स्ट आता है मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके अंदर फर्स्ट लाइन से देखिए, द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये मिक्सचर है इंडियन और फॉरेन सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का, ये एक लाइन हम हो गई हमारी। एंड एम्परर जो होता था वो हेड होता था, द एम्परर वॉज द हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द वॉज द सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर उसी के हाथ में होती थी। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर वॉज द चीफ ऑफ फाइनेंस वॉज कॉल्ड मीरे सामा, यानी कि किस तरह से वो शासन करते थे उनका क्या नाम होता था, ये सारी चीज़ें दी गई। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इन टू प्रोविंसेस, नंबर ऑफ प्रोविंसेस वॉज 15 ड्यूरिंग अकबर, अकबर के टाइम पर 15 थे लेकिन 21 हो गए थे औरंगजेब के टाइम पर। ठीक है, द एम्परर वॉज द चीफ कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्स, बस इतने ही पॉइंट हमें लिखने हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राजस्थान कोऑपरेशन एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट मुगल्स के बारे में, राव शेखा के बारे में।